देखिए कि आज देखिए लड़कों पर बात की गई है। अच्छा, तो देखिए लड़कों का एक समस्या है कि सभी के एक ही बात सुनने में आती है कि देखो लड़कों तो लड़के तो साफ क्या है कि एक जैसे होते हैं, सभी लड़कों को एक ही चीज की आवश्यकता है और सभी लड़के कैसे होते हैं, बस ये यहाँ से मतलब कहीं से भी बात सुनने में आएगी, ये बात सुनने में आएगी। तो देखिए हम मान लेते हैं कि शायद सारे नहीं होते हैं ऐसे, कुछ कुछ होते भी हैं, मान लेते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे होते हैं। तो हमने एक फिगर बनाया था 70% और 30%। तो ऐसा होता है कि अगर आपकी बात मान ली भी जाए और 70% लड़कों को ऐसा मान भी लिया जाए तो ये जो 30% बेचारे बच गए इनका क्या, तो इनकी जो बात है वो कभी सामने आती आ नहीं पाती और ये बेचारे मारे जाते हैं। तो 30% लड़कों की तरफ से ये कविता मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये देखें कि फ्रेंड जोन में भी शिद्दत से रहते हैं, इश्क का कभी इजहार नहीं करते। फ्रेंड जोन में शिद्दत से रहते हैं, इश्क का कभी इजहार नहीं करते। जनाब कुछ लड़के होते हैं जो सेक्स के लिए प्यार नहीं करते, जो टिंडर इंस्टॉल नहीं करते, हर रोज किसी को आई लव यू लिखकर इश्क का व्यापार नहीं करते, हर फोटो के नीचे नाइस पिक लिखकर 24 घंटा स्टॉक नहीं करते। आपसे तुम पर तुमसे तू पर नहीं आते, कुछ लड़के हैं जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही पिंग गुफ्तगू पर नहीं आते। माना कि थोड़ा ज्यादा होता है पर सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, हर लड़की की ब्राउजर हिस्ट्री में सिर्फ ऑन नहीं होता, चेहरे और जिस्म की नहीं रूह की चमक का अंदाजा है होता, कुछ लड़के हैं जिनके लिए खूबसूरती का मतलब 36-28-36 नहीं होता। वन नाइट स्टैंड की शराब नहीं, ये हर सुबह की चाय तुम संग पीना चाहते हैं, कुछ लड़के हैं तो तुम्हें बिस्तर तक नहीं आईफिल टावर तक ले जाते। कमिटमेंट शब्द से टकराते नहीं हैं, तुम्हें हाफ थ्री फोर्थ गर्लफ्रेंड के दर्जों में नहीं रखना चाहते, कुछ लड़के हैं जो तुम्हारी मांग में सिंदूर न भरना चाहते। जिनका चेस 42 नहीं है उनका भी जिगर फौलादी हो सकता है, जिसके हाथ में गिटार नहीं है मोहतरमा वो लड़का भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। गिटार वालों से माफी, वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो बड़े घर वाला है वो आगे जाकर बर्बाद भी हो सकता है, वो जो टैलेंटेड आज वेल सेटल्ड नहीं है वो कल वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। घूरना ताकना ये कमजोरी मुझे पता है कि आपके साथ हर जगह पर होती है, पर कुछ लड़के हैं जहां तुमने देखा इन्हें देखा और इनकी नजर अकेले होकर भी ईव टीजर से खिलाफ भी लड़ते हैं, कुछ लड़के हैं जो किसी भी रैंडम लड़की की अपनी बहन जितनी इज्जत करते हैं, कुछ लड़के हैं जिनकी सैलरी स्लिप को शायद आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में नहीं आंकते हैं, कुछ लड़के हैं जो डॉक्टर इंजीनियर और कलेक्टर बनकर भी दहेज मांगते हैं। शादी के बाद घर संभालना है तुम्हें बहुत से ऐसे पढ़े लिखे गवार हैं और कुछ लड़के हैं जो तुम्हारे सपनों के लिए हाउस हस्बैंड भी बनने को तैयार हैं। यहाँ घूंघट डालो, यहाँ मत बोलो, इनके आगे बैठ जाओ, इनके आगे खड़े रहो, और कुछ लड़के हैं कि देखो ये तुम्हारा घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। बिल्कुल बात कहूं, ये कुंडली और वेल सेटल के चक्कर में तुम्हारा भी चुनाव अधिकतर यहीं से होता है कि जनाब ये 30% तो मिलते हैं उन्हें जिनकी कुंडली में राजयोग होता है। जिनकी कुंडली में राजयोग होता है तो वाकई में इज्जत करते हैं, सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के पेजेस को लाइक नहीं करते, फ्रेंड जोन में भी शिद्दत से रहते हैं, मुद्दत तक अपने इश्क का इजहार नहीं करते, इस्तेमाल की चीज नहीं समझते हैं तुम्हें, हर रोज आई लव यू लिखकर इश्क का व्यापार नहीं करते, कुछ लड़के हैं जो सेक्स के लिए प्यार नहीं करते।